शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो ये बात करेंगे नहीं। जब हमारा दिल दुखेगा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी को वोट करता हूं। आज तक पहला और आखिरी वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसकी मजबूती के लिए। जिंदगी में नहीं देंगे, अगर पार्टी मेरे को MLA बनाएगी तो ठीक है। निर्वाचन आयोग दुर्भाग्यपूर्ण है प्रजातंत्र के लिए। यू दाल भात ना है कि जो है बना खा लो निकल लो, चुनाव आए। इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एक सीट को होल्ड रखा गया है, वो सीट है मिल्कीपुर। आपको बता दें, लोकसभा के चलते अयोध्या से BJP सीट हार गई थी। लोगों का कहना था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद BJP का जीतना तो वहां से संभव है, लेकिन वहां से BJP को निराशा मिली। अब ऐसे में मेरे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या कुछ विचार हैं उनके। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, बताइए कि ये जो एक सीट रोकी गई है, तो इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या है? नहीं, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही केस किया था, मुकदमा किया था, वो मेरे ख्याल निरस्त हो गया है। हाँ। उसको स्वीकृति नहीं मिली है। वो मुझको लगता है आज शाम, देर शाम या कल तक उसकी भी ऐसी चुनाव के साथ घोषणा हो जाए। बाकी भाजपा के चरित्र का तो वाकई में पता नहीं है, ये कब क्या करे। अच्छा। और क्यों मिल्कीपुर से डर रही है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि ये डर है कि उस जगह को होल्ड किया गया है, उस वहाँ के चुनाव को होल्ड किया गया, या फिर कोई सरकारी उसमें बातचीत है, ये अभी मैंने बताई आपको, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी 10 सीटों के चुनाव हैं और आप देख लीजिए कि दंगे बददस्तूर जारी हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। अच्छा। एक अभी मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही हिंदू मुस्लिम और जातियों में आपसी सियासत शुरू हो जाती है। नहीं, इनकी शुरू होती है, कोई और पार्टी नहीं करती, भारतीय जनता BJP कराता है। मैं बताता हूँ उसका कारण। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो ये बात करेंगे नहीं। अब जैसे भी चुनाव आ जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, अब जैसे दो राज्यों महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव हैं, जो क्या नाम लगता है उसका, याद नहीं आ रहा, और दूसरा 10 सीटों का ये चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, और 10 यहाँ की सीटों में चुनाव है। तो अब इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि देश हित में किया हो। तो मैंने पहले ही कहा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई पर तो इन्होंने कोई बात की नहीं है। इन्होंने अपना एजेंडा ही यही है इनका, इनके मैनिफेस्टो, इनके प्रोपोगंडे में यही है कि हिंदू मुस्लिम करो, छोटी जातियों से बड़ी जातियों को लड़ाओ, नफरत पैदा करो। और उसकी बागी आपने देखी, बहराइच से शुरू हो चुका है। बहराइच में एक युवा ने 22 साल का, जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी, उसको उकसाया गया और वो मुसलमान के परिवार के यहाँ जाता है और एक धार्मिक झंडे को हटाता है और वहाँ पे अपने धार्मिक झंडे को लगाता है, नीचे उतरता है, बेचारा मारा जाता है। छज्जा कहिए अंदर की तरफ गिरा, छज्जा अगर बाहर की तरफ गिरता तो कई और लोग भी मरते, ये भी दुर्घटना थी। और किसी के घर में घुस के, तो भाजपा का जो है ये प्रोपोगंडे में है कि सत्ता में आने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगे कराएंगे, तभी आ सकते हैं। विनोद राय जी, ये बताइए कि अब जब इलेक्शन कमीशन ने सीटों का ऐलान कर दिया है, ऐसे में एक सीट को होल्ड रखा है, तो इन सभी को आप किस नज़र से देखते हैं, इसके पीछे की क्या प्रमुख वजह है? अब एक सीट को होल्ड रखा गया है और 9 सीट पर चुनाव हो रहा है। अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर 9 का चुनाव हो रहा है तो 10वां को होल्ड करने की क्या जरूरत है? कहा जा रहा है कि गोरखनाथ बाबा ने याचिका दायर की थी, तो इस वजह से ये इसको होल्ड किया गया है। इसका मतलब कि सरकार का ये प्लानिंग में है कि एक सीट को, चूंकि अयोध्या से भाजपा का अस्तित्व भी जुड़ा है, तो हम समझते हैं कि वो अपने अस्तित्व को खतरे में न डालते हुए 9 सीट का, भाजपा ने कहा होगा कि साहब 9 सीट का निर्वाचन आयोग चुनाव करा सकता है, एक सीट का बाद में कर लिया जाएगा। अच्छा। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चूंकि परंपरा है निर्वाचन का कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में अगर निर्वाचन आयोग 9 पर घोषित करके 1 को रोक दिया है, तो सबसे बड़ी चीज है कि सरकार और निर्वाचन के ये दोनों अधिकार का, एक तरफ संवैधानिक अधिकार का हनन है और दूसरे का तरफ निर्वाचन आयोग का जो है
जो उसका आभा है, जो उसका सिस्टम है, जो उसकी परंपरा है, जो उसकी प्रजातंत्र के प्रति जिम्मेवारी है, हम समझते हैं कि ये भी संदिग्ध है। कहने का जहाँ तक आवश्यकता ये मुझे पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम से, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने के लिए जो उसने पॉलिसी तैयार की है, उसको ये लगता है कि कहीं अयोध्या की सीट ही पूरा जो है प्रदेश का केंद्र बिंदु न बन जाए, सारी शक्ति यही न लग जाए ताकि हमारा जो है अस्तित्व को चुनौती सीधे मिल जाए। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को आपका भी मैं वेलकम करता हूं और निर्वाचन आयोग को भी साथ में बधाई देता हूं कि तुम इसी तरह निर्वाचन का जो संविधान के प्रति जो जिम्मेवारी है उस संविधान की भावना पर तुम कुठाराघात करते रहो, तुम उस पर हमला करते रहो, तुम सिस्टम का तार तार करते रहो। और हम ये कहेंगे कि ये निर्वाचन आयोग तो एकदम गंगा जल और दूध से धो करके ये एक ऐसी संस्था है जिसके विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, जिसके आभा पर सवाल नहीं किया जा सकता, जिसके संवैधानिक परंपरा पर नहीं सवाल किया खड़ा किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है निर्वाचन आयोग दुर्भाग्यपूर्ण है प्रजातंत्र के लिए। इस तरह का अगर भारत के संविधान की भावना के साथ खेलता है तो इस निर्वाचन आयोग का पॉलिसी का मैं आलोचना करता हूं और मैं उसे फिर चेताता हूं कि भारतीय निर्वाचन जो नियमावली है, जो उसकी परंपरा है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो सिस्टम है और प्रजातंत्र के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी है, उसको अक्षुण रखे, नहीं तो आने वाला कल भारत के हर व्यक्ति इसका खामियाजा भुगतेगा। तो मैं ये कह लूं कि निर्वाचन आयोग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अपनी परंपरा का जो निर्वाचन आयोग आप रक्षा न कर सके, ऐसे निर्वाचन आयोग को लानत है और धिक्कार है कि वो अपने संवैधानिक परंपरा के साथ निरंतर खिलवाड़ 10 साल से करता आ रहा है। और आगे जहां तक सिस्टम का चुनाव का मामला है तो चुनाव तो भाजपा को बचाना है, 10 साल में महंगाई पर ये बात नहीं करेगी, शिक्षा पर बात नहीं करेगी, उद्योग पर बात नहीं करेगी, कल कारखाना पर बात नहीं करेगी, नहरों पर बात नहीं करेगी, स्टील प्लांट पर बात नहीं करेगी, गन्ना मिल पर बात नहीं करेगी, कार्बन पर बात नहीं करेगी, लाइन ऑर्डर पर बात नहीं करेगी। ये निरंतर संविधान के साथ खेल रही है। अच्छा। ये खेलती रहे। और उदय सिंह जी ये बताइए कि उपचुनाव पे जो आजकल अभी जो चल रहा है माहौल है ना, आए दिन कोई ना कोई नेता कोई ना कोई टिप्पणियाँ करते हैं, तो ऐसे में जो नेता हैं वो उपचुनाव के बाद कैसा रूप है उनका और क्या कुछ है? देखिए, उपचुनाव का जो ये अभी भाई साहब कह रहे थे, हाँ, आप ही के चैनल पे बताए हैं। देखिए, जैसे जिसके किसी विधानसभा का मुकदमा चल रहा है, हाईकोर्ट में लंबित है, तो चुनाव आयोग उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहीं का नहीं, एक किसी और राज्य में भी एक चुनाव रोका गया है एक सीट का, मतलब पूरे भारत में दो सीटों का चुनाव रुका हुआ है जहाँ पे कोर्ट में विचाराधीन है। तो इस पे चुनाव आयोग के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अभी जो एग्जिट पोल और सारा हरियाणा में जो चुनाव हुआ तो वहाँ संविधान या PDA का जो नारा इन लोगों का था वो ख़त्म हो गया वहाँ पर, क्योंकि आम पब्लिक को, देखिए जो आम पब्लिक है, जो गाँव में 60% जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, गाँव से जो रह रहे हैं लोग, उनके लिए सरकार बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा इस सरकार में महिलाओं को जो है मतलब सबसे ज़्यादा स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गाँव में, तो अगर ये चीज़ गाँव से अगर पता किया जाए, और पुरुष तो कहीं भी वोट दे सकता है वो, क्योंकि वो सक्षम है, बहुत बड़े नेता हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन औरतों का जो वोट हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ तक के जो मीडिया हमारी वो नहीं पहुँच पा रही है, सबसे बड़ी बात गांव तक मीडिया पहुंच नहीं पा रही है, गांव तक मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, और उन जगह नहीं पहुंच पा रहे जहां पे वोट बैंक है, जो दलित का इनका चल रहा था, पिछड़ा दलित फलां PDA जो बैकवर्ड का वो कर रहे थे, ये सब इनका फेल हो चुका है। ये जो राहुल गांधी जी, देखिए देश अभी आप देश के अंदर देखिए कि कितनी घटनाएँ घट रही हैं, जो त्वरित घट रही हैं, ये एक शोचनीय की विषय है।
जैसे अभी आपने देखा कि लेबनान में मारा गया हिजबुल्ला और बरसी यहाँ मनाई जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन डिले करने का, ट्रेन को एक्सीडेंट कराने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। अभी कल की न्यूज़ है कि हवाई जहाज़ में बम रखने की अफवाह कई जगह पड़ी और हवाई जहाज़ को उतार करके उसकी जांच किया गया। जो है ये सब विदेशी ताकतों का काम है जो है, और हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और सारे उसमें उसका जो है झंडा परचम हो रहा है। ये बताइए कि जब हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ रहा है, झंडा परचम हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो फिर वही राम मंदिर वाली सीट कैसे हार जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहली और फिर उसी पर होल्ड रख दिया, उसी को होल्ड रख दिया तो रखा हुआ है। जो इससे पहले पूर्व प्रत्याशी भाजपा के थे उन्होंने मुकदमा किया था, गोरखनाथ बाबा ने इससे मुकदमा किया, याचिका दायर की, लंबित है और याचिका जब तक फाइनल नहीं होगी, अभी आज भी पेपर में निकला हुआ है कि हो सकता है कि उस पर उनका अगर प्रस्ताव खारिज हो जा रहा है, क्योंकि विधायक तो अब है नहीं, सांसद हो गए वो, तो अगर खारिज हो रहा है तो बाबा भी विधायक बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और बात आपको समझ में आनी थी कि मिल्कीपुर जो विधानसभा है वो भाजपा नहीं हारी है, जहाँ पे अयोध्या का गढ़ है, चार पाँच विधानसभा मिला करके एक लोकसभा होती है, जिसमें चार विधानसभा हारी है, एक नहीं हारी है। जो अच्छा, एक तो सबसे बड़ी चीज़ कुछ गलतियां भाजपा से भी हुई, जो मतलब चुनाव में कायदे से कंपियन नहीं कर पाए, और इनका जो आरक्षण विरोधी जो इन लोगों ने जो उठाया मुद्दा, वो इनका कारगर साबित हुआ। और जब जिस समय लल्लू सिंह सांसद थे वहाँ के, और सांसद चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर क्षेत्र में वो काम नहीं कर रहा है तो उसको पहली बार टिकट नहीं देना चाहिए, वो तो अच्छा। दूसरी चीज़, जब इन्होंने संविधान का मुद्दा लल्लू सिंह ने उठाया था, अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी इनको इनके ऊपर मुकदमा करती, इनको जेल डाल देती, कहीं कुछ ना होता, पूर्व बहुमत से फिर से पूरा हो जाता, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाए। जैसे कुछ नेता और राजस्थान के थे, उन्होंने भी इस पे अच्छा ये बताइए कि बीजेपी के आने कितने आसार लग रहे हैं? 99% जी, उसमें कोई वो नहीं है कि कहीं से वो जा रही है, वो आ रही है और बहुत फुल बहमत से, और आने वाले समय में और जितने भी कार्यक्रम इनके हो रहे हैं, चाहे वो स्टार्टर ऐप से हो चाहे जिससे भी हो, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो धरातल पे चल रहे हैं, न कि आसमान में चल रहे हैं। बताइए कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं तो इसमें इस बार यूपी में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा? अब प्रदर्शन के लिए क्या कहूँ, अभी तो पीछे देखे कि आए 33 सीट, 36 कही थी मैंने कि 36 नहीं पाएंगे, तब 33 पाए हैं। जब हमारा दिल दुखेगा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी को वोट करता हूँ, आज तक पहला और आखिरी वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया उसकी मजबूती के लिए। इस बार किसको देंगे? इस बार किसको देंगे? जिंदगी में नहीं देंगे, अगर पार्टी मेरे को एमएलए बनाएगी तो ठीक है, मैं तो जिंदगी में नहीं दूंगा। अच्छा, और चुनाव में खड़ा होऊंगा, चुनाव में खड़ा होऊंगा सीएम साहब के सामने, गोरखपुर से खड़े हो या उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं से कहीं से भी खड़े हो। ये जो उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं, ऐसे में एक दो सीटें होल्ड कर दी गई हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, होल्ड नहीं, कि उसको तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट और निर्वाचन आयोग अलग है, सरकार अलग है। सरकार जब निर्वाचन आयोग आदेश करता है तो सरकार व्यवस्था करके वहाँ का चुनाव कराती है, चाहे जिस सीट का हो। अब वो गोरखनाथ जी ने उनके ऊपर केस कर रखा उस सीट पे, इसलिए वो होल्ड की गई है। हाँ। तो उसका भी चुनाव होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों तो होबे करेगा, समझ गए। और वो जब जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तब तो होगा, और तो उसमें कोई और वो थोड़ी है कि आप। क्या नाम है आपका? हमारा आशीष नाव है। आशीष जी, ये बताइए कि अभी लोकसभा इलेक्शन में आपने बीजेपी का प्रदर्शन देखा तो कहीं ना कहीं वो पीछे था, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि उपचुनाव में क्या होने वाला है? हमका दिखाई पड़ रहा कि अब की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा लग जाएगी, पक्का मान लो, पक्का मान लो। पिछली बार कैसे वो पीछे रह गई भैया? पिछली बार धोखा होगा, ये सब जो है ये लोग गुमराह करें, ये लोग सबका बैला बनाओ कोशिश करें, जनता आपकी समझ गए हैं इनका सबका, और इनका समझ गए। अरे ये जो इनका मुलायम सिंह जी का लड़का है, और तो इनका जो सब देख के हैं, जो मालूम दे रहा है कि अब की सब सतर्क हैं और सब बहुत जनता जागरूक है। अब की कहो दसम दसों सीटें जो है मान ले जाएं, ये विपक्ष वाले कुछ बना बिगाड़ नहीं पे हैं। और जो तुम वही एक बात पूछ रही रहो, कहते रहो कि जो है वह वाली बात की हुआ मिल्कीपुर, तो देखो मिल्कीपुर भैया यू दाल भात ना है कि जो है बनाए खा लो निकल लो, ये चुनाव आए, सरकार अपने हिसाब से काम करी, चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करी, सब देख व्यवस्था काम करी, और हाई कोर्ट में मामला चल रहा, कोर्ट में जब मामला है तुम्हारा सरकार का करे लगे अब, लेकिन तुमका सबका भैया एक मुद्दा चाहे वह बातें करी हो, वह सब इंतजाम सबका बताइए हो जाए, तो यू सब ध्यान दे, अपने मन का मनमानी खर्जानी थोड़ी है। एक सिर्फ यही अयोध्या के जो सांसद थे ठाकुर लल्लू सिंह, इन्हीं ने कहा था कि हम 400 पार होंगे
और संविधान में संशोधन करेंगे। तो जनता ने उनका ही संशोधन किया। क्या भारतीय जनता पार्टी जो है लल्लू सिंह को पार्टी के बाहर निकाल सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेताओं से दिया जाए, और केवल मोदी के नाम पर चुनाव हुआ था, केवल ना भाजपा के नाम पर चुनाव हुआ था। और योगी जी भी बैठे हैं, तो 17 से आप अभी तक आंकड़ा देख लीजिए, भाजपा का ग्राउंड घट ही रहा है। ये बताइए कि जैसे लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी पीछे होती दिखी, तो इस बार उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? ऐसा है, जो दिखाई दे रहा है उसमें हमको थोड़ा समस्या पैदा हो रहा है कि जो दिखाई दे रहे थे उस समय लोग, हाँ, वहाँ कुछ झूठी बातें थी। जैसे कौन सी झूठी बातें थी? ये झूठी बातें थी, जितनी हमारी जो है एजेंसियाँ थी जो प्रचार प्रसार में लगी थी, उनकी कुछ कमियाँ रही हैं। लेकिन अब इतनी समय जैसे आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों से हम संतुष्ट हैं, और हमें ये भी लगता है कि आप लोग गलत नहीं करोगे। तो कौन जीतेगा इस बार, क्या लग रहा है आपको? ये बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा इसके बारे में? बीजेपी 70% जीत रही है, 70% जीत रही है। दो तीन जगहों पर मान लो अगर हार भी गई, उसका हारना कोई हारना नहीं। विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी आपस में विवाद कराती है, मेन मुद्दों से भटकाती है, हिंसा फैलाती है। ऐसा है कि ये समाजवादी के लोग हैं, इन्होंने पहले भी 2 साल ऐसा रहा है कि जिस समय मुलायम सिंह सरकार रहा करती थी, करीब 2 से 2500 हमारे हिंदुओं को मरवा दिया था। वो सब पुरानी बातें हो गई। पुरानी बातें नहीं हैं, वो इसी में सम्मिलित हैं। और इनके भी ज़माने में एक ऐसा समय आया था कि जिस समय कि हमारे हिंदू भाई तमाम मारे गए, और सारी समस्याएं उन्हीं पर आकर के टूटी। लेकिन आप भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा हिंदू मुस्लिम का मतलब नहीं है। हमारा केवल ये कहना है कि यह पार्टी जब आती है जिसका नाम सपा है, तो वह मोहम्मदर और हिंदू करती है, वाई और यच करती है वो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ पे जनता से बात करी, आप सभी को मैं बता दूँ कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी सीट हार गई थी। लोगों को लग रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी को वहाँ से कोई हरा नहीं सकता, लेकिन बीजेपी को वहाँ से निराशा मिली। तो ऐसे में मैंने बात करी उपचुनाव की कि इस बार उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा बीजेपी का। तो आप सभी ने वीडियो में देखा, ऐसे ही और रियलिटी चेक प्रोग्राम के देखने के लिए बने रहिए। कैमरामैन अशौर के साथ मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।